Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है राज के चैनल पर। बिल्कुल आप सभी को बताया लास्ट टू डेज से हम लोग आ, आपका मंथ वाइज देख रहे हैं क्वेश्चंस एमसीक्यूज तो ठीक उसी तरह से आज भी आज हम अगस्त और सेप्टेम्बर मंथ को लेकर आए हैं टॉप सिक्सटी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके जो भी एग्जाम रियर लगे हुए हैं को किसी भी तरह का एग्जाम हो अगस्त और सितंबर दोनों मंथ्स के टॉप uh, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जैसा अभी लास्ट टू डेज से भी हम कर रहे हैं पहले हमने आपके साथ अप्रैल एंड मे के क्वेश्चन किए फिर हमने अप्रैल मे के बाद जून और जुलाई के किए और आज हम अगस्त और सेप्टेंबर के कर रहे हैं ठीक है तो चलिए बिल्कुल ऑफ नवंबर को फिफ्टीन ऑफ नवंबर का सेशन लेकर हम आपके लिए तैयार हैं है ना बिल्कुल दिवाली आप सभी की बहुत अच्छी रही और बिल्कुल छुट्टियां आप समाप्ति की तरफ है आपकी है ना और बिल्कुल आप लोग फिर से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन और पूरी चीजों के साथ इंगेज होंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोड की तरफ टॉप सिक्सटी क्वेश्चन है डियर मार्क्स काउंट करते चलिएगा देखते चलिएगा कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं एक रिवीजन भी होगा आपका अगस्त और सितंबर का शॉर्ट में है ना टॉप सिक्सटी क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोर्ट की तरफ दैट इज बिल्कुल डियर बहुत ही मॉर्निंग ब्यूटीफुल मॉर्निंग है है ना तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद बिल्कुल जय श्री राम बिल्कुल राधे राधे चलिए वेरी गुड मॉर्निंग दैट इज डियर अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है तो डियर खुश रहना शुरू कीजिए खुश आप वैसे भी रहते हैं खुश रहने का मतलब है भाई काम कर रहे होते हैं ना तो कभी बिल्कुल होता है कि बहुत डल फील कर रहे होते हैं है ना तो वो एक टाइम वो एक पार्ट ऑफ लाइफ आपका पार्ट ऑफ लाइफ होता है है ना डियर है ना और चीज़ों के साथ खुश रहने की कोशिश करिए खुशी के साथ काम करने की कोशिश करिए अगर आप खुश रहकर खुशी के साथ एनर्जी के साथ अपने काम को करेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे है ना क्योंकि दो ही काम होते हैं एक काम होता है जिसे आप करें जिसमें आपको काम में खुशी मिलती है वो काम करना शुरू करें या जिस काम को कर रहे हैं उस काम के साथ खुश रहना शुरू कर दें लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं कि भाई चलो जो मिल गया वही मुकद्दर समझ लिया है ना जो नहीं मिला वो तो क्या था है ना तो उस तरह से नहीं बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं खुशी के साथ करें तो खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है ठीक है इसी पॉजिटिव वाइब के साथ इसी खुशी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को ठीक है चलिए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को दैट इज सबसे पहले भाई अगस्त मंथ का देखेंगे थर्टी क्वेश्चन फिर हम अगस्त के बाद आपके सितंबर मंथ पर आएंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स का ही सिलसिला रहेगा टॉप थर्टी क्वेश्चन है अगस्त के फिर टॉप थर्टी सितंबर के ठीक है चलिए बिल्कुल तो तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो डाउन शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दैट इज सेट टू कम अप इन दिल्ली दिल्ली में बनने वाली विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या होगा दिल्ली में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या होगा डियर बिल्कुल ऑप्शन आपके दिए नेशनल हेरिटेज म्यूजियम आ, इटर इंडिया म्यूजियम युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम या फिर एवर लास्टिंग हिस्ट्री म्यूजियम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा डियर तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका दैट इज तो फटाफट आंसर करेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है अगस्त मंथ में टॉप क्वेश्चन रहे हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए आंसर करते चलेंगे डियर है ना बिल्कुल फिफ्टी ऑफ नवंबर में हम लोग आ चुके हैं है दिवाली का जो एक सेलिब्रेशन है वो तो हमेशा ही दिवाली है डियर हम अगर खुशी के साथ प्रकाश के साथ आगे लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं उजाली की तरफ बढ़ रहे हैं ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर दिन दिवाली है है ना लेकिन रिकोग्निशन बिल्कुल है ना तो चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है ओके वेरी गुड बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो चुके हैं आप सभी के बहुत अच्छे डियर चलिए तो फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है तो युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा डियर ठीक है

बिहार राज्य में राजमार्गो के उन्नयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने ऋण का मंजूरी दी है ठीक है तो बताएंगे फटाफट फड़ से स्टेट हाईवे इन बिहार 150 मिलियन डॉलर 200 मिलियन डॉलर या 250 मिलियन डॉलर या 295 मिलियन डॉलर ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए आप देखिएगा बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं, मैं बहुत ही सिलेक्ट करके लाया हूं कि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम जो रहेंगे आपको देखने को जरूर मिलेंगे ठीक है ये बिल्कुल मेरा वादा है आपसे ठीक है भाई देखिए हंड्रेड परसेंट कुछ नहीं होता नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट है ना आप देखते भी हैं एग्जाम में देते हैं जाते हैं तो बताते भी हैं और ये कॉन्फिडेंस किस वजह से है आपकी वजह से है क्योंकि आप जब जाते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने कराया था ये एग्जाम में पूछा गया था ये आया था जैसे अभी आई बी पी रहा था तो लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ये क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था है ना पिछले साल से जरूर आई बी पी एस पी मेन्स इस बार थोड़ा सा टफ रहा था जनरल अवेयरनेस का पार्ट ठीक है लास्ट ईयर से लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे कि बिल्कुल आ, ऐसा नहीं था कि कुछ भी ना हो है ना तो बिल्कुल चलिए आंसर करेंगे फटाफट टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है इसमें चलिए टाइम स्टार्ट कर देते हैं तो फटाफट फड़ आंसर करेंगे डियर क्या आंसर होने वाला है हम लोग देखेंगे ठीक है तो एडीबी ने भाई एडीबी की बात करें तो आप सभी जानते हो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में ठीक है तो फटाफट फड़ से आंसर करेंगे डियर तो चलिए देखते हैं चलते हैं राइट आंसर की तरफ तो राइट आंसर हो जाएगा टू नाइन फाइव मिलियन ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा टू नाइनटी फाइव मिलियन डॉलर ठीक है बिहार की बात हो रही है बिहार आप सभी जानते हैं बिहार नीतीश कुमार जी है ना जानते ही है ठीक है बिहार पटना राजधानी है चलिए चलते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उल्लास स्टैंड फॉर भाई उल्लास ये न्यूज में रहा था बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अगस्त मंथ चल रहा है अगस्त मंथ के टॉप थर्टी क्वेश्चन तो उल्लास हमने बिल्कुल आपका अगस्त मंथ में डिस्कस हुआ था आपके साथ उल्लास का मतलब क्या है भाई फुल फॉर्म पूछा गया है आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोशल अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्न फॉर ऑल इन सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी या फिर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ठीक है फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट हो चुका है बहुत ही क्लोज सारे ऑप्शन है आपके है ना बहुत ही क्लोज ऑप्शन है तो फटाफट आप आंसर समझेंगे और बताएंगे ठीक है आई होप बिल्कुल सेशन एंजॉय कर रहे हैं अगर सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो भाई फटाफट से क्या करते चले लाइक करते चले अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें सेशन को फटाफट से लिंक को शेयर कर दें जैसे मैक्सिमम देस क्या हो सके कनेक्ट हो सके और एक हेल्दी एटमोसफियर बनाया जा सके और बहुत ही अच्छी तरह से हम आगे बढ़ सके ठीक है तो चलिए चलते हैं देखते हैं आंसर क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी अब आप देख पा रहे हो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है डियर ठीक है गी रहा कि डिफरेंस है भी समझ रहे हैं आप देखिए अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्न है यहाँ लर्निंग है 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 ना तो बहुत बहुत ही ही सा डिफरेंस होता है। बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं राइट आंसर यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ऑप्शन सी आपका राइट होगा चलिए उल्लास ये आखिर है क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है चलिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लॉन्च किए गए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे आप सभी अच्छे होंगे डियर है ना बहुत अच्छे से आपका फेस्टिवल रहा होगा ठीक है चलो फेस्टिवल हमेशा खुशियां लेकर आता है डियर इसीलिए भारत को तो हम त्योहारों का एक समागम बोले तो अः अतिशयोक्ति नहीं होगी हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है और फेस्टिवल होता है हमारी उमंग के लिए हमारे उत्साह के लिए हमारी एनर्जी के लिए जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही एनर्जी के साथ क्या कर सकें फुलफिल कर सकें है ना ऊर्जा के रंग उत्साह के रंग प्रकाश के रंग और रंगों ही रंगों से इस जीवन को क्या कर सकें इंजॉय कर सकें बिता सकें है ना खुशियां दे सकें खुशियां बांट सकें और खुशियां ले सकें ठीक चल। है चलो चलते हैं आंसर की तरफ भाई क्या प्राथमिक उद्देश्य रहा है देखते हैं ऑप्शंस आपके सारे दिए हुए हैं प्रोवाइडिंग एस टू बेसिक लिटरेट लिटरेसी

उद्योग रत्न अवार्ड विच अदर सिविलियन अवार्ड हैज रतन टाटा बीन ऑनर्ड विद बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई उद्योग रत्न पुरस्कार के अलावा रतन टाटा जी को अन्य कौन से नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया रतन टाटा जी को और यह न्यूज दो अगस्त में निकल कर आई थी और इनको इसके अलावा कौन से और अवार्ड दिए गए पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री या बोथ ए एंड बी फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट है आपका सभी का ठीक है डियर और पद्म अवार्ड आप सभी जानते हैं हमारे सेशन में पद्म अवार्ड आए दिन आते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी की कि, कोई पर्सन होता है जिसकी ऑबिज्री होती है उसको पद्म अवार्ड मिला होता है और आप सभी जानते हैं भाई पद्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो पद्म अवॉर्ड में सबसे टॉप पे कौन आता है पद्म विभूषण ठीक है पद्म विभूषण सबसे टॉप पे होता है फिर पद्म भूषण आता है पद्म भूषण फिर आपका पद्मश्री होता है

तो पदमा अवार्ड जो दिए गए हैं आपके ये पदमा अवार्ड 2023 में टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हैं 106 106 टोटल नंबर ऑफ और विभूषण है पद्म भूषण है 9, और पद्मश्री नाइन्टी वन तो टोटल निकल कर आता है 106. ठीक है चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ यहां पर बात करें तो रतन टाटा जी को और कौन से नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है तो बोथ एंड भी आएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ठीक right है ऑप्शन डी आपका राइट होगा डियर क्योंकि यहां पर हम बात करें तो पद्मा विभूषण भी और पद्मा भूषण भी इनको मिल चुका है तो राइट right आंसर आपका निकल कर आएगा बोथ ए एंड बी ठीक है चल बहुत अच्छे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर हु इज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन एंड हैज एज्यूम्ड द चेयरशिप ऑफ द सिक्सटी सेकेंड सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व तो कौन है उन्हों, उन्होंने सामाजिक विकास आयोग के बासठवें सत्र की अध्यक्षता संभाली है भाई तो बताइए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व तो कौन किसके पास आया रुचिरा कंबोज नरेंद्र मोदी एस जयशंकर या फिर पीयूष गोयल फटाफट आंसर करेंगे रियल टाइम स्टार्ट है आप सभी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिक्सटी सेकेंड सत्र की बात हो रही है अध्यक्षता संभाली है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या निकल कर आएगा फटाफट आंसर करेंगे आप सभी तो चलते हैं इंडिया आंसर की तरफ राइट आंसर क्या होने वाला है बिल्कुल पर्सन का नाम है इंपॉर्टेंट है प्रतिनिधि है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के तो राइट आंसर है आपका रुचिरा कम्बोज बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहा है कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल इस नाम को सुना होगा है ना और बहुत ही अच्छी तरह से रियलाइज किया होगा रुचिरा कंबोज ठीक है क्योंकि जब क्वेश्चन होता है ना तो जब आप सेशन के साथ सुन रहे होते हैं है ना कभी कभी कुछ नेम होते हैं मेरे कान में गूंज रहे होते हैं वैसे ही तुम्हारे भी कान में करंट अफेयर तो गुज रहा होगा है ना रुजरा कंबोज का नाम आ रहा होगा है ना ये बात आपको हास्यास्पद लगेगी लेकिन अगर आप डेली सेशन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ही आपके साथ होता है क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा होता है पता नहीं क्या आंसर होगा लेकिन जब क्वेश्चन देखते हो ऑप्शन देखते हो गलती से भी किसी ऑप्शन पर अगर आप रख देते हो कि भाई ये आंसर होना चाहिए वही आंसर राइट होता है क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे साथ ये कई बार हुआ है कि लग रहा होता है कि आंसर कंफर्म नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसे देख रहे होते हैं कौन सा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन बी देखो क्या सही है और मैक्सिमम डियर होता है 80 से 85 90 परसेंट तक कि वही क्वेश्चन क्या होता है राइट होता है ऐसा क्यों होता है कि हमारा अनकॉन्सियस माइंड जो होता है ना वो ऑप्शंस को सेव कर लेता है और समय आने पर अपने आप ही दे देता है हमें खुद भी पता नहीं चलता ये आपको जानकर आश्चर्य होगा हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से रन कर रही होती हैं आप कहेंगे सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं साइकोलॉजी तो नहीं शुरू करने वाले जी नहीं ऐसा नहीं है अब देखिए आप चलने में क्या ध्यान देते हैं नहीं लेकिन जब छोटे थे बचपन में चलना शुरू किया था तो कितनी प्रॉब्लम होती थी कई बार गिरते थे अब तो ध्यान भी नहीं है है ना साइकिल चलाना जब सीखा था ये ध्यान होगा साइकिल चलाना सीखा होगा फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ क्लास में तब कितनी बार गिरते थे लेकिन आज के टाइम पे क्या आपको देखना होता है कि नहीं मुझे लेफ्ट जाना है राइट जाना है या हैंडल सीधा रखना है कुछ भी ध्यान नहीं देना होता तो बस ऐसा ही है जब आप रियलाइज करेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ किसी टॉपिक के साथ एंजॉय करेंगे उसको पार्टिसिपेट करेंगे उसमें है ना खुशी के साथ तो फिर वही होगा जो अनकॉन्सियस माइंड होगा वही करेगा है ना और बहुत ही आसानी के साथ आप चीजों को कर पाएंगे ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आदि पेरक्कू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट भाई मैं बहुत कुछ ज्यादा ही खुश हूँ आज लग रहा है ना है ना बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें हो रही है।, की बाते क्या? एक होता है ना कि चलो अब होता है चलते हैं आगे क्वेश्चन आदि किस राज्य में मनाया जाता है ऑप्शन है आपके केरला तमिलनाडु त्रिपुरा तेलंगाना ठीक है तो इस चीज को फील करिए वाइब्रेशंस को फील करिए खुशी को फील करिए और खुशी के साथ अपने क्वेश्चंस को करिए सेशन में ज्वाइन होइए और फाइनली आगे बढ़िए ठीक है क्योंकि फेस्टिवल के साथ हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए पढ़ाई चलती रहनी चाहिए है ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं साथ में चलती हैं तभी खुशी होती है और नहीं तो फेस्टिवल लगता है वो फेस्टिवल आ गए क्लासेस नहीं होंगी या कभी कभी ऐसा होता है ना एग्जाम होते हैं कहते अरे तो यार फेस्टिवल आ गए डिस्टर्बेंस होगा होता है ना सभी के साथ होता है हम लोग जैसे जैसे बड़े क्लासेज में पहुंचते हैं वैसे वैसे हम लोगों को ये होता है अरे फेस्टिवल आ गए टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसा होता है फेस्टिवल कभी टाइम वेस्ट नहीं करते है ना मैं भी ऐसा सोचता था लेकिन अब ये सोच मेरी क्या हो गई है चेंज हो गई है तो ऐसे ही आप लोगों को भी सही सोचते हुए चलना है ठीक है चलिए आदि आरि सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट भाई किस राज्य में मनाया जाता है केरला तमिलनाडु त्रिपुरा तेलंगाना फटाफट आंसर करेंगे बहुत सारे ला, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके आपके साथ आज डिस्कस हो रहे हैं है ना आदि किस राज्य में मनाया जाता है भाई तो बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है रियल तमिलनाडु ठीक है बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल अगस्त मंथ में आपका सेलिब्रेट किया गया है आदि पेरक्कू तो किस राज्य में मनाया जाता है तमिलनाडु में तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल चेन्नई हो जाएगी है ना मुख्यमंत्री साहब का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में चलिए त्रिपुरा तेलंगाना हैदराबाद ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इन लिस्ट 23 बुकर किस के लेखक के पहले उपन्यास को 2023 बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल किया गया है। देखो बिल्कुल ध्यान रखना ध्यान से डियर बुकर प्राइस यहां पे नहीं बोला गया है, बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है ना बुकर प्राइज के लिए क्या किया गया है नॉमिनेट किया गया है ठीक है

नेक्स्ट क्वेश्चन uh, billion, uh, को तक अरब की सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है डियर बर्नार्ड रोनॉल्ड एंड फैमिली जेफ वेजॉस एलॉन मस्क लैरी एलेसन या फिर क्या आंसर होगा फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का <laughs> तो टाइम स्टार्ट है फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे दियर? है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगस्त मंथ में हमें देखने को मिला था ऑफ अगस्त को यह लिस्ट जारी की गई थी सूची जारी की गई थी वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है बर्नार्ड एंड फैमिली बेजोस हैं एलॉन मस्क हैं या हैं। तो है तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर एडियर एलॉन मस्क ऑप्शन आप सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है एलॉन मस्क आपका राइट होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव अमलगमेशन ऑफ विच टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने किन दो शहरी सहकारी बैंकों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है डियर यहां पर एमलगमेशन निकल कर आ रहा है जब सेम फील्ड में काम करने वाली कंपनीज सेम फील्ड में काम करने वाली कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसे एमलगमेशन बोल देते हैं है ना एमलगमेशन तो ये एमलगमेशन निकल कर आ रहा है और ये एमलगमेशन किसका है एमलगमेशन को अप्रूवल दे दिया है अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा आरबीआई के द्वारा फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का राइट आंसर क्या होने वाला है यहां पर ठीक है ऑप्शन आपके दिए हुए नव निर्माण कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विद नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक है या फिर नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक विद राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है या फिर आपका राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फटाफट आंसर करेंगे राइट आंसर आपका नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक और विद राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक निकल कर आ रहा है तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा डियर ठीक है ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा ठीक है चलिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर्ड बाय द शुभ शुभ यात्रा यात्रा स्कीम first, uh, स्कीम इज फर्स्ट फर्स्ट टू टाइम ओवरसीज इमिग्रेंट पहली बार विदेशी प्रवासियों को शुभ यात्रा योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है वन लैख टू लैख थ्री लैख या फोर लैख बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर पहली बार विदेशी प्रवासियों को शुभ यात्रा योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है ऑप्शन में बताएंगे फटाफट से क्या राइट आंसर होने वाला है चलेंगे आंसर की तरफ दिया राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका टू लैख ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा टू लैख ठीक है शुभ यात्रा ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ इन एफ टू थ्री में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ कौन है भाई? है आपके खाजिद भरूचा, अमिताभ चौधरी संदीप बख्शी या फिर शशिधर जगदीशन फटाफट आंसर करेंगे चलते चलिए चलते नेक्स्ट इज हुव धोनोडो महानोर नॉम देव धोनडो महानोर कौन थे अनाउंड साइंटिस्ट मराठी एक्टर अ फेमस क्रिकेटर नोटेड मराठी पोइट एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इनका ऑबिचरी कही रही है इसी वजह है, है कि भाई कहां पर साइंटिस्ट uh, है एक्टर है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर हो जाएगा डीयर नोटेड मराठी पोएट एंड लिरिसिस्ट है ठीक है चलो नेक्स्ट इज विच डेस्टिनेशन इन उत्तर प्रदेश द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट अंड स्वदेश दर्शन टू पॉइंट जीरो पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन टू पॉइंट जीरो के तहत विकास के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों की पहचान की गई है ऑप्शन से आपके आगरा एंड वाराणसी प्रयागराज एंड नैमिश लखनऊ एंड कानपुर जयपुर एंड उदयपुर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा डियर वेरी इंपॉर्टेंट का टैग मैं इसे क्वेश्चन को देना चाहूंगा और बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया है ठीक है चलिए तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन टू पॉइंट जीरो के तहत तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों के स्थलों की पहचान की गई है चलेंगे आंसर आंसर की तरफ राइट प्रयागराज विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन बिहार हैजीन चूजे एज अ पोटेंशियल साइट फॉर द नेशनल रहनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बिहार में किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय गेंदा संरक्षण रणनीति के लिए संभावित स्थल के रूप में चुना गया डियर बक्सो टाइगर रिजर्व काजीरंगा नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या जिम कार्बेट नेशनल पार्क फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का और बिहार की बात हो रही है और चलो अब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा चीजें नहीं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ ही पा रहे हैं और बिल्कुल आंसर भी करेंगे फटाफट से आप चलते हैं आंसर की तरफ राष्ट्रीय गहना संरक्षण नीति की बात हो रही है और ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य को किया गया है बिहार भी इन्होंने यहां पे डिस्क्लोज कर दिया है तो राइट आंसर डियर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ठीक है क्योंकि एक ही सिंगल टाइगर रिजर्व है बिहार में और उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ठीक है एक और नया रिकमेंड किया गया है अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो वो भी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द बिहार में और वो प्लेस क्या है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का फटाफट आप बताएंगे है ना अगर आपको रिकॉल हो पा रहा हो तो फटाफट -फड़ से बताइएगा कमेंट बॉक्स में ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट इस चलते हैं नेक्स्ट इस विथ परसेंटेज

आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे रिकॉल कर पाएंगे टाइम टू टाइम मैक्सिमम टाइम आप रिविजन कर पाएंगे और चीजों को ध्यान रख पाएंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं हैं, की तरफ देखते क्या हो रहा है चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री प्लान टू इंस्टॉल ऑन इट्स कंप्यूटर्स स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जिसे भारत का रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों पर स्थापित करने की योजना बना रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से विकसित है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है स्वदेशी रूप से विकसित ओएस है माइक्रोसॉफ्ट ओएस विंडोज ओएस माया ओएस या फिर साइबर सेफ्ट ओ जो लोग थोड़ा सा एक्टिव होंगे उन्होंने ध्यान दिया होगा कि मैं क्या बोलने वाला था न, समझ गए होंगे क्योंकि डायरेक्टली आंसर ही निकल रहा था मेरे मुंह से है ना चलो चलते क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा डियर ठीक है टोटल वैल्यू ऑफ द दिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड एज ऑफ मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ये डेटा डियर अगस्त में निकल कर आया था बहुत सारा ऐसा डिपॉजिट है जिसका कोई क्या नहीं है वारिश नहीं है, है ना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है यानी उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा ठीक है उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा जमा करता शिक्षा एंड जागरूकता कोष में हस्तांतरित लवारिस जमा का कुल मूल्य क्या है है डियर ना अब आप अरे सर ऐसा अमाउंट है तो फिर हमें मिलना चाहिए है ना चलो चलते हैं आंसर की तरफ तो बताएं क्या आंसर होने वाला यहां है डियर ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं अमाउंट दिया हुआ है ऑप्शन क्या है ना अमाउंट दिया हुआ है करोड़ यहाँ पे देखो नहीं लिखा है ठीक है तो बिल्कुल सारे अमाउंट्स आपके दिए हुए हैं फटाफट बताएं किस ऑप्शन के साथ जाएंगे ठीक है और डर जो भी हमारे जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं किसी भी तरह का बैंक अकाउंट हो हमें जो बैंक आरबीआई सिक्योरिटी देता है वो किसके थ्रू देता है डीआईसीजीसी के थ्रू कितना हमें सिक्योरिटी मिलती है कितने का इंश्योरेंस होता है फाइव लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है जो आरबीआई की एक सब्सिडी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन उसके द्वारा हमें क्या दिया जाता है सिक्योर किया जाता है तो चलिए चलते हैं चलते हैं आंसर की तरफ आंसर है डियर यहां पर अड़तालीस हजार चार सौ इकसठ पॉइंट फोर फोर करोड़ ठीक है फोर्टी एट थाउजेंड फोर सिक्स वन पॉइंट फोर फोर करोड़ ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड कौन सा बैंक पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड पेश करने वाला पहला भारतीय बैंक बना अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन आपके दिए डीएमएसडीएफसी बैंक आईसीआई बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एयरटेल पेमेंट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक डियर प्रेजेंट टाइम पेमेंट बैंकों की संख्या की बात करें तो कितने पेमेंट बैंक टोटल लेकिन शेड्यूल्ड कितने हैं तो शेड्यूल्ड पेमेंट बैंकों की जो संख्या है शेड्यूल्ड पेमेंट बैंकों की जो संख्या है वो कितनी है वो है आपकी फाइव फाइव शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक है और पेमेंट बैंक डियर ओपन करने के लिए मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए होती है हंड्रेड करोड़ की किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक ओपन किया गया था डियर

इसकी खेती की जाती है कहां पर केरला वेस्ट बंगाल कश्मीर वैली या फिर आंध्र प्रदेश तो फटाफट आंसर करेंगे डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है आपका मुसुक चावल जो हाल ही में खबरों में था जी आई की वजह से तो चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है तो ये राइट आंसर है कश्मीर वैली कश्मीर वैली से भाई ये बिलोंग करता है ठीक है कश्मीर की वादियां कश्मीर से बिलोंग करता है नेक्स्ट इज विच टीम डिड द इंडियन हॉकी टीम डिफीटेड डिफीट इन द फाइनल मैच टू विन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मैच में किस टीम को हरा कर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी दो हजार तेईस जीती पाकिस्तान मलेशिया कोरिया चाइना यहां पर जो आप सोच रहे हैं वो गलत होगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है अब क्या है वो आंसर के बाद पता चलेगा आपको चलिए आंसर यहां पर बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का है ना जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं आप वही सोच रहे होंगे उसी थीम पर है ना लेकिन यहां पर आप गलत होंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है चलो चलते हैं हैं आंसर 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 की तरफ देखते राइट राइट क्या है 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 मलेशिया आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान होगा ना लेकिन नहीं भाई यहाँ पर मलेशिया था इसके अलावा आप जाएंगे अदर जगह तो मैक्सिमम 90 से 95 परसेंट जगह आपको पाकिस्तानी मिलेगा जहां पर डिफीट किया होगा इंडिया ने ठीक है यहां पर लेकिन राइट आंसर आपका मलेशिया है ठीक है चलिए बहुत अच्छे चलते हैं आंसर की तरफ आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे अगर एंजॉय कर रहे हैं तो भाई लाइक करते चले है ना फ्रेंड के साथ अगर आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दे चलो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने कलेक्ट्रेट में ई e ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एन ऑफिस सिस्टम एज इट्स कलेक्ट्रेट तो आंसर करें लखनऊ कानपुर कन्नौज वाराणसी ई e ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला बना है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर कन्नौज ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कन्नौज ठीक है <laughs> ऑप्शन सी राइट हो जाएगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट इस हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू 30थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड थाईलैंड के नए तीसवें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है चान ओचा यूज्ड श्रेथा थाविशिन या फिर यंगलक सिनवात्रा या फिर अभिशित विजय जीवा ठीक है फटाफट आंसर करेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये टाइम स्टार्ट है आप सभी का थाईलैंड के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है चलेंगे आंसर की तरफ तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है थाविशिन ठीक है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट इज एलिमेंट वॉज कन्फर्म बाय चंद्रयान थ्री अगस्त मंथ की बात करें तो बिल्कुल चंद्रयान भी था है ना प्रज्ञान रोवर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून साउथ पोल चंद्रयान थ्री के प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की गई थी सल्फर जिंक हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन फटाफट आंसर करेंगे बिल्कुल डिटेल में रह रहा था हम लोगों ने अगस्त मंथ में तो बहुत ही आए दिन हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ प्रज्ञान रोवर और चंद्रयान की बात होती थी चलेंगे सल्फर बिल्कुल सल्फर की पुष्टि की गई थी डियर ऑप्शन होगा नेक्स्ट है वुमेन्स इक्वेलिटी डे ऑब्जर्व ऑन महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है

आपकी विजुअली चैलेंज क्रिकेट टीम है ना वन गोल्ड वर्ल्ड कप ट्वेंट ट्वेंटी थ्री कहां पर वर्मिंगहम में इंग्लैंड है इंडिया है ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान है तो ये चलेंगे इंडिया ठीक है हमारा प्यारा इंडिया नेक्स्ट इस नभ मित्र डिवाइस फॉर फिशर्स सेफ्टी सक्सेसफुली टेस्टेड एट नींद मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण किसने विकसित किया है जिसका नींद कारा में सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया नाम आप ध्यान रखेंगे नभ मित्र ठीक है और कहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है नींद कारा में ठीक है नींद नभ मित्र ठीक है चलो चलते नेक्स्ट हुईटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया ट्वेंटी दो हजार तेईस का खिताब किसने जीता है शारदा राखी कपूर या फिर परमार बहुत अच्छा है. करेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका प्रिया शेन है ना प्रियन शेन ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट इज विच कंपनी साइंस वोमेन्स टेनिस चैंपियन चैंप इगा एस किस ने महिला टेनिस चैंपियन इंडेज नियुक्त किया है टाटा इन्फोसिस जियो या विप्रो फटाफट करेंगे टेनिस इगा है, किया गया है, किसके द्वारा? तो चलेंगे ऑप्शन बी आपका, हो जाएगा, इन्फोसेस। इन्फोसेस आपका राइट हो चलो नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड टूट ट्वेंटी बिल्कुल अगस्त मंथ की बात हो रही है संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी थ्री थर्ट अगस्त ट्वेंटी नाइन अगस्त या ट्वेंटी अगस्त यानी बिल्कुल अगस्त का समापन की तरफ है हम लोग है ना बिल्कुल लास्ट ही क्वेश्चन है अगस्त मंथ का तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो राइट आंसर निकल कर आएगा थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी थ्री तो ये अगस्त के थर्टी क्वेश्चन थे टॉप थर्टी क्वेश्चन आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एजॉय किए होंगे है ना और इनको ध्यान भी रखिएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा सेलेक्टेड क्वेश्चन है थर्टी फर्स्ट अगस्त राइट आंसर हो जाएगा विश्व संस्कृत दिवस संस्कृत को गवर्नमेंट बिल्कुल प्रमोट कर रही है क्योंकि हमारी ऑरिजिन अगर हम बात करें बिल्कुल भाषा संस्कृत है ना आप सभी बहुत सारे फैक्ट हैं जो जानते हैं इसके बारे में ठीक है चल चलते हैं तो ये था अगस्त का पार्ट टॉप थर्टी का अब हम टॉप थर्टी शुरू करते हैं सेप्टेम्बर मंथ के ठीक है तो चलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए पानी वानी पी लीजिए और हम लोग सितंबर मंथ शुरू करते हैं टॉप थर्टी क्वेश्चन ठीक है तो चलिए शुरू करेंगे तो चलिए भाई चलते हैं शुरू करते हैं काउंटडाउन सितंबर का टॉप थर्टी क्वेश्चंस का डेट इज तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हु रिसीव्स एर्थ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवॉर्ड आठवां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ आर एस परोजा शांति स्वरूप वी प्रवीण राव या फिर पी वी सत्य नारायण ठीक है फटाफट आंसर करेंगे डियर टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका पी वी सत्य नारायण ठीक है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ठीक है एर्थ नंबर का डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम टू इंडिया फर्स्ट ए आई पावर्ड ड्रोन सिस्टम भारत के पहले ए आई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है चेतक प्रखर गगनयान या फिर इंद्रजाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है फटाफट आंसर करेंगे डियर भारत के पहले ए आई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंद्रजाल ऑप्शन डी है राइट ध्यान रखिएगा फर्स्ट ए आई पावर्ड ड्रोन सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर थ्री डे फेस्टिवल नदी उत्सव फ्रॉम अक्टूबर से तक किस यूटी या स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है तीन दिवसीय महोत्सव नदी उत्सव बाईस से चौबीस सितंबर तक किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में शुरू हुआ टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट आंसर करेंगे नदी महोत्सव मनाते क्यों है डियर नदियों के संस्कृति और कल्चर को बनाए रखने के लिए ठीक है नदी उत्सव जो सबसे पहला सेलिब्रेट हुआ था वो डर डायन एटीन में हुआ था सबसे पहला जो नदी उत्सव है आपका तीन दिवसीय नदी उत्सव था पहला जो नदी उत्सव था डियर ये हुआ था गोदावरी नदी के किनारे ये फोर्थ एडिशन है ठीक है भाई कंफ्यूज मत होइएगा मैं भी देखू भूल रहा हूं फैक्ट ये आपका फोर्थ uh, एडिशन है फोर्थ एडिशन जो है ये डियर कहां पर हुआ यमुना नदी के किनारे हुआ है ना और थर्ड एडिशन जो हुआ था ये हुआ था आपका गंगा नदी के किनारे और जो सेकेंड एडिशन हुआ था ये हुआ था आपका कृष्णा नदी के किनारे और जो पहला एडिशन था वो हुआ था गोदावरी नदी के किनारे ठीक है तो पहला जो एडिशन अभी जो इस बार हुआ तो चलो चलते हैं आंसर की तरफ देख लेते हैं भाई आंसर क्या है न्यू डेली है ना यमुना नदी की बात हो रही है कहां होगा न्यू डेली में हुआ था डियर ठीक है और यहां पर जो गेस्ट थे वो कौन थे प्रकाश श्रीवास्तव जी थे प्रकाश श्रीवास्तव जो कि कौन है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है डियर ठीक है वो यहां पर क्या थे चीफ गेस्ट थे थर्ड एडिशन गंगा नदी के किनारे हुआ था कहां पर डियर आ, मोगा में ठीक है और कृष्णा नदी के किनारे गोदावरी नदी के किनारे जो सबसे पहला हुआ था वो हुआ था आपका गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी नदी के किनारे कहां पर हुआ था भाई कृष्णा ये विजयवाड़ा नदी के किनारे विजयवाड़ा में हुआ था विजयवाड़ा ठीक है भैया और जो पहला हुआ था गोदावरी नदी के किनारे ये हुआ था नासिक में ठीक है नासिक में हुआ था पहला गोदावरी नदी के किनारे दूसरा विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे तीसरा मुंगेर में हुआ था मोगा नहीं नैयर मुंगेर है है ना मुंगेर ठीक है और दूसरा आपका कृष्णा विजयवाड़ा और तीसरा आपका मुंगेर और चौथा इस बार जो देखने को मिला वो दिल्ली में ठीक है तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में हुआ है इस बार ठीक है थोड़ा सा देखिए स्किप होता है जब चीजें टाइम होती टाइम हो जाता है, है ना इसी वजह से रिविजन टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट होता है वो चाहे मैं हूं या आप ठीक है चलिए चलते हैं आंसर की तरफ ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर पेमेंट सर्विसेज लॉन्च फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम विद एनपीसीआई सितंबर 2023 को एनपीसीआई के साथ भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सी भुगतान सेवा लॉन्च की गई है पाइन लैब्स पेपॉल फिशर या फिर हिताची बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट आंसर करेंगे डियर एनपीसीआई के साथ भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सी भुगतान सेवा लॉन्च की गई है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर हो जाएगा हिताची ऑप्शन डी आपका राइट right होगा हिताची हिताची ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनाथुआ पार्लियामेंट वनाथुआ वनवातु की संसद की नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट है आपका तीन एति मामुआ कौशुआ नतानु सातो खिलमन या फिर हुआ का मिलिकु ठीक है नेम थोड़े से डिफरेंट टेरियल देखने होंगे चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है डियर के के बहुत अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट है आप सभी का अमित जतिया विवेक शंकरन अरविंद कृष्णा या फिर राजेश नाम्बियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है फटाफट आंसर करेंगे आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे ये चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर राजेश डीयर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विद टू हेल्प चिल्ड्रेन लर्न ए बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए एजॉब के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन है आपके अश्वनी वैष्णव धर्मेंद्र प्रधान पीयूष गोयल या फिर मनसुख एल मांडवियर फटाफट टाइम फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का बच्चों के एआई सीखने में मदद करने के लिए एडोप्ट के साथ किसने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो चलेंगे प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान के साथ समझौता है? है ना अंडरस्टैंडिंग है एमओयू है बिल्कुल ध्यान रखना है एमओ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री देश का पहला सौर शहर कौन सा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है आप सभी का भोपाल सांची इंदौर या वाराणसी फटाफट आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आएगा सांची मध्य प्रदेश के सांची में ठीक है शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश की अगर बात करें राजधानी भोपाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर बिल्कुल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल मनाया जाता है टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करेंगे ऑफ डियर बस मैं यही कहूंगा हमारी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है अगर लाइफ है तो सब कुछ है लाइफ देने का अधिकार हमको नहीं है तो लाइफ को खत्म करने का भी अधिकार हमारा नहीं है ठीक है हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए चीजों को देखना चाहिए हाँ सिचुएशन होती हैं कंडीशंस होती हैं लेकिन कभी भी हमें इस तरह की सोच अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए अगर ऐसी दिमाग में सोच आ रही है तो निकल जाइए थोड़ा सा वॉक करके आइए है ना किसी कहीं भी चले जाइए पीसफुल जगह थोड़ा नेचर के पास चले जाइए किसी पार्क में चले जाइए है ना मंदिर चले जाइए मस्जिद चले जाइए गुरुद्वारा चले जाइए है ना कहीं भी चले जाइए लेकिन ऐसे विचार दिमाग में आए तो बिल्कुल उस जगह से तुरंत हटिए अपने दिमाग को शांत करिए और सोचिए कि लाइफ है बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ अच्छा होगा बहुत कुछ बुरा समय भी आएगा लेकिन एक टाइम के बाद बहुत कुछ नया और अच्छा भी होगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे तो डियर राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका बर ऑप्शन डी आपका राइट right होगा भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है 8th September, 9th September, 10th September, या 11th of September. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है डे है आपका नेशनल फॉरेस्ट मैचर्स डे राष्ट्रीय वन शहीद दिवस तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर एलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा ठीक है 11th ऑफ सेप्टेंबर और लास्ट अभी जो डे दे हमने देखा उसको भी ध्यान रखिएगा डियर टेंथ ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है डायरेक्ट कंटिन्यू है आपके दोनों ही डे चलिए नेक्स्ट इज वेयर इज द वर्ल्ड हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड बींग डेवलप्ड विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है भाई बाकू श्रीनगर काठमांडू या फिर लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा टाइम स्टार्ट है आपका तो डियर बात करें राइट आंसर है आपका लद्दाख ठीक है लद्दाख का लोकल प्लेस क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट हम लोगों ने बिल्कुल ने मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा योजना 2023 के रूप में दस लाख रुपए की मंजूरी दी है बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश फटाफट आंसर करेंगे डियर टाइम स्टार्ट है आपका दस लाख रुपए की मंजूरी दी है मॉब लिंचिंग पीड़ित को मॉब लिंचिंग विक्टिम के लिए दस लाख का कंपनसेशन देने की बात की है कौन सा राज्य है बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश यानी मामू जी शिवराज सिंह चौहान जी है ना मामू बोलते हैं निकनेम है मामू है ना चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज उड़ीसा गवर्नमेंट हाउ मेनी लैक अनाउंसेज फाइनेंशियल असिस्टेंस ईच टू थर्टींथ क्वालिफाइड स्टेट एथलीट उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक तेरा योग्य राज्य एथलीटों को कितने लाख की वित्तीय सहायता की घोषणा की है थर्टीन इयर सेलेक्ट किए जाएंगे एथलीट आपके और उनको कितने लाख रुपए की सहायता देने की बात की है उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा की बात करें कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री साहब है है ना तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए फाइव लाख टेन लाख ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव लैख टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो आंसर करना शुरू करेंगे डियर फटाफट से ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है राइट आंसर निकल कर आ रहा है टेन लैक ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा टेन लैक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्पेशली विल द मैंगो बोर्ड फोकस ऑन सपोर्टिंग हापुस कल्टिवेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर विशेष विशेष रूप से महाराष्ट्र के किन जिलों में आम बोर्ड हापुस की खेती को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है पुणे नासिक नागपुर या औरंगाबाद है रत्नागिरी या सिंधुदुर्ग है सोलापुर या फिर कोहलापुर है फटाफट आंसर करेंगे आप सभी है ना बिल्कुल बहुत ही फेमस सिटीज इंडिया हापस की खेती को समर्थन के लिए ध्यान केंद्रित करेगा तो राइट आंसर है आपका रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट इज विच रेलवे स्टेशन गेट्स आई ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन इन आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है डियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रीन रेलवे प्रमाणन ठीक है ग्रीन रेलवे स्टेशन तो फटाफट फड़ बताएं राइट right आंसर क्या निकल कर आएगा डियर टाइम स्टार्ट है आप सभी का तिरुपति राजामुंद्री विजयवाड़ा या विशाखापत्तनम चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है डियर विजयवाड़ा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन देर्स्ट अबाउ फिबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल टू ट्वेंटी थ्री तो किस देश ने अपना पहला फीफा बास्केटबॉल विश्व कप दो का खिताब जीता है ऑप्शन है आपके फ्रांस जर्मनी पोलैंड या फिर बेल्जियम आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो चलते हैं आंसर की तरफ किस देश ने अपना पहला बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है डियर तो राइट आंसर है यहां पर जर्मनी और ये इंग्लैंड को हराकर इन्होंने जीता है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जर्मनी ठीक है चलिए नेक्स्ट इज हू टू इनोग्रेट वन जीरो एट फिट टॉल स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कौन करेगा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ जी फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का ओमकारेश्वर आदि शंकराचार्य की एक फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण की बात हो रही है तो चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल मामू जी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बात हो रही है एरियर तो शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर इसका नॉग्रेशन करेंगे 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कर चुके हैं है ना क्योंकि सितंबर मंथ चल रहा है ये ठीक है चलिए अगस्त और सितंबर के टॉप सिक्सटी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ और ऑफ नवंबर के सेशन में हम लोग चल रहे हैं ये है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हैवींद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट किस राज्य के रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया डी ऑप्शन है आपके कर्नाटक असम महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और यार शांति निकेतन की बात करें फर्स्ट नंबर का इंडिया में आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला प्लेस हो गया है शांति निकेतन इसके साथ ही इसी के डियर एक दिन बाद ही दूसरा प्लेस था यानी फोर्टी सेकेंड प्लेस भी इसमें शामिल किया गया है तो फोर्टी सेकेंड प्लेस कौन सा हो गया जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है होयसला टेम्पल्स ठीक है होयसला टेम्पल्स और ये टेम्पल भाई कहा है होयसला मंदिर का समूह और ये तीन मंदिर हैं इनका समूह है जो ये शामिल हुआ है केरला कर्नाटका गोवा उड़ीसा बताइए ऑप्शन ठीक है होयसला भी शामिल हुए शांति निकेतन की बात करें यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा वेस्ट बंगाल ठीक है ठीक है वेस्ट बंगाल ठीक है इसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा लेटेस्ट में ही अगर नवंबर में ही बात करें सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया गया है किसे ग्वालियर को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है किसे कोझिकोड़ को

ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा एटीन ऑफ सेप्टेंबर ठीक है तो चलिए डियर आई हो बिल्कुल आप सेशन को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ तो आ रहा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है नाइनटीन सेकेंड से टाइम स्टार्ट है आपका फटाफट से आंसर करेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस शनल डे ऑफ पीस चलिए आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो भी डे रहते हैं आपके तो विश्व अल्जाइमर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है आंसर करेंगे फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका हो जाएगा, is, 23, 23, प्रतिभा में भारत चार स्थान फिसल कर किस स्थान पर आ गया है फिफ्टी फोर्थ फिफ्टी सिक्स या फिर फटाफट आंसर करेंगे है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग फटाफट आंसर करेंगे चलते हैं आंसर की तरफ. Right निकल कर आ रहा है आपका फिफ्टी सिक्स ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा फिफ्टी सिक्स ठीक है इनोवेशन इंडेक्स रैंक ट्वेंटी थ्री ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दो हजार तेईस में भारत की रैंक क्या है ट्वेंटी सिक्स फोर्टी सिक्सटी सेकेंड या फिर एटी फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हो गया हम लोगों ने देखा अभी लास्ट एस है ना बिल्कुल ध्यान रखना है टैलेंट रैंकिंग अभी राइट फिफ्टी सिक्स है नेक्स्ट इज क्वेश्चन पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नाइन ट्वेंटी थ्री में भारत की रैंक क्या है तो ये चलते हैं आंसर की तरफ राइट right आंसर हो जाएगा फोर्टीथ फोर्टीथ रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो ये भी रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी रियर नेक्स्ट इज विच स्टेट साइंटिस्ट शांति सॉरी स्वाति नायक विंस नॉर्मन बोरलैक फील्ड अवार्ड ट्वेंटी थ्री किस राज्य की वैज्ञानिक स्वाति नायक ने नॉर्मन बोरलैक फील्ड पुरस्कार 2023 जीता है डियर उड़ीसा पंजाब महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक बिल्कुल डीयर जो क्वेश्चन आ रहा था देखो मैं बता देता हूं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इस बार कितने साइंटिस्ट को दिए गए हैं ये अलग से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्योंकि बिल्कुल जब क्वेश्चन बन रहे थे तो ये बिल्कुल आ रहा था दिमाग में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड लेकिन बहुत ही सिंपल सा है भटनागर अवार्ड आप सभी को पता होगा थोड़े से यहाँ पर मैंने टफ क्वेश्चन लिए हैं टफ क्वेश्चन तो नहीं है मतलब थोड़ा सा कि आप आसानी से ना कर पाओ इस तरह के कुछ क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कितने साइंटिस्ट को दिया गया है ट्वेल्थ तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया लेकिन देखो कहीं ना कहीं अनकॉन्सियस माइंड काम कर रहा है ना दिमाग से तभी स्लिप हुई और जवान और ये निकला शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है ट्वेल्व किस फील्ड में दिया जाता है डियर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है अब जो यहां पर क्वेश्चन है इसका आंसर करो किस राज्य की वैज्ञानिक हैं स्वाति नायक ने नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 क्या किया है? इन्होंने विन किया तो पर्सन का नाम क्या है आपको बताना है साइंटिस्ट चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा ठीक है उड़ीसा से बिलोंग करती है स्वाति नायक नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इनको दिया गया है किस फील्ड में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में चलेंगे नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन्ट गोल्ड आफ्टर फोर्टी वन ईयर्स इन इक्विस्ट इन एशियन गेम्स टू नाइन एशियाई खेल दो हजार तेईस में घुड़सवारी में किस देश ने इकतालीस साल बाद स्वर्ण पदक जीता है भाई आफ्टर जापान वियतनाम मलेशिया इंडिया तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका इंडिया इंडिया ने विन किया डियर एशियन गेम्स की बात करें तो आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होंगे एशियन गेम्स टू नाइन ट्वेंटी थ्री की बात करें चाइना के हॉन्गोंग में हुए और आ, हमने 107 टोटल मेडल विन किया डियर 28 गोल्ड 38 सिल्वर 41 वन ब्रॉन्ज मेडल के साथ हम किस प्लेस पर रहे हम फोर्थ प्लेस पर रहे टॉप पर जापान रहा है चाइना रहा है सॉरी टॉप पर चाइना रहा है सेकेंड प्लेस पर जापान रहा है थर्ड प्लेस पर कोरिया रहा है कोरिया गणराज्य और फोर्थ प्लेस पर अपना प्यारा इंडिया रहा है ठीक है सबसे अधिक मेडल जो हमने जीते हैं ट्वेंटी नाइन वो हमने एथलेटिक्स में जीते हैं गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे अधिक गोल्ड मेडल हमने जो जीते हैं सेवन वो शूटिंग में और फिर सिक्स मेडल हमने एथलेटिक्स में फिर हमने फाइव मेडल आर्चरी में फिर हमने टू मेडल क्रिकेट टू कबड्डी और टू स्क्वैश और एक 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 हमने मेडल जीता है आपका किसमें टेनिस में ठीक है एक मेडल हमने आपका हॉकी में और एक एक और बताइए भाई किस फील्ड में हमने जीता है ठीक है तो टोटल हमने ट्वेंटी एट गोल्ड मेडल विन किए हैं डियर यहां पर और अगर हम बात करें टेनिस में पहली बार हमने मेंस डबल सॉरी बैडमिंटन में टेनिस में नहीं बैडमिंटन में बैडमिंटन में पहली बार हमने मेंस डबल विन किया है मेंस डबल में गोल्ड मेडल विन किया है और ये गोल्ड मेडल सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हमें दिलाया है ठीक है ये एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है और इसके साथ ही आप सभी जानते हैं एथलेटिक्स में अगर हम बात करें जेवलिन थ्रोवर में हमें किसने मेडल दिलाया नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जी लेकिन ठीक है नीरज चोपड़ा तो सभी को पता है लेकिन इसमें बताओ भाई गोल्ड मेडल तो हो गया सिल्वर मेडल किसने सिल्वर मेडल भी इंडिया को मिला है सिल्वर मेडल किसान मिला है सिल्वर मेडल किसे मिला है किशोर जेना को ठीक है किशोर जेना ये तो बात हुई किसकी मेंस जेवलिन थ्रोवर की वुमेन्स जेवलिन थ्रोवर में अगर हम बात करें अन्नू गोल्ड मेडल वहां भी हमारे पास है अन्नू और इसके साथ ही अगर हम बात करें एशियन पैरा गेम्स की वहां भी गोल्ड मेडल है जेवलिन थ्रोवर में ठीक है तो उनका नाम क्या है नीरज यादव ठीक है चलिए तो डियर ये हमारा कुछ पॉइंट यह है यहां पर एशियन गेम्स से रिलेटेड आई होप ऑप्शन डी आपका राइट है ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द लाइसेंस ऑफ विच मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है भाई बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन है फटाफट से बताएंगे अगर आपने ध्यान है आपको तो आप कर पाएंगे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक कपोल कोऑपरेटिव बैंक गंगा कोऑपरेटिव बैंक या फिर नन ऑफ द चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आएगा कपोल कोऑपरेटिव बैंक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट नोटिफाइज वीरांगना दुर्गापति टाइगर रिजर्व द सेवेंथ द इन द स्टेट एंड फिफ्टी फोर्थ इन दंट्री फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व रहेगा कंट्री का और राज्य का सातवां टाइगर रिजर्व है तो कौन सा राज्य है तमिलनाडु मध्यप्रदेश कर्नाटक उत्तर प्रदेश फटाफट -फड़ आंसर करेंगे है आप सभी का ये चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मध्यप्रदेश ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा मध्यप्रदेश ठीक है चलिए चलते नेक्स्ट विच कंट्रीज हैज ओवरटेक हांगकॉन्ग टू बिकेम द वर्ल्ड

किस नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन गया है फ्रीएस्ट इकोनॉमी का जो अभी में आया राइट आंसर right यहाँ पर क्या था सिंगापुर था फ्रीएस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता बहुत है बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलशन रहते हैं लेकिन बहुत ही हार्डेस्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते बिजनेस uh, करने के लिए फ्री एनवायरमेंट दिया जाता है ठीक है तो हांगकांग बहुत टाइम से फर्स्ट प्लेस पर था हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर किस पर आ गया फर्स्ट प्लेस पर आ गया सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाएगी सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर हो जाएगी है ना हांगकांग को पीछे छोड़कर फर्स्ट प्लेस पर आ गया है सिंगापुर ठीक है चलो भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बन गया तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ठीक है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है डियर इसी के साथ ही ईयर विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो ये चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा करप्टर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है बिल्कुल ध्यान रखना है और डे की कोई थीम भी इंपॉर्टेंट होती है तो थीम भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ठीक है अब थीम क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में देखिए ठीक है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और बिल्कुल डेली सेशन में अगर आप आ रहे हैं ये टॉप थर्टी थर्टी क्वेश्चन किए अगस्त और सितंबर मंथ के ठीक है डियर तो इसी के साथ ही बिल्कुल आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा अगर आपने सेशन को इंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ भी शेयर करें है ना और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को ठीक है डियर और बिल्कुल आज फिफ्टीथ ऑफ नवंबर है ना अगस्त और सितंबर के टॉप सिक्सटी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा अगर आपने, आपने सेशन में कैसा फील किया और कल कनेक्ट होंगे और जुड़ेंगे morning, है ना? बिल्कुल के साथ तरह से पहले कनेक्ट होते थे बिल्कुल है ना उसी तरह से तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं कल मॉर्निंग सेवन एम थैंक यू एवरी गुड बाय टेक केयर है